मेरा नाम है सुमन प्रसाद और मैं एक पैशनेट आर्टिस्ट हूँ। मेरी कंपनी का नाम है फ्लेमिन आर्ट। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ इनोवेटिव लेके आने वाली हूँ, तो मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगी कैनवस पेंटिंग, वो भी 3 डिवीजन कैनवस पेंटिंग, जो कि मैं आप लोगों को एक्रिलिक पेंटिंग का नॉलेज दूंगी, बेसिक कैसे होता है, कैसे स्टार्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं कैनवस पेंटिंग बताऊंगी, तो मेरे पास अभी 3 कैनवसेस हैं यहाँ पर। ये कैनवस आपको किसी भी मार्केट में मिल जाएगा और जो पेंटिंग मैं बना रही हूँ ये 3 डिफरेंट कैनवस पेंटिंग है। तो इसको बनाने के लिए आपको इन तीनों को एक साथ अटैच करके रखना होगा और मैं इसे ड्राइंग करने के लिए नॉर्मल HB पेंसिल यूज कर रही हूँ। और मैं कौन सा ब्रश यूज़ करती हूँ, कौन से कलर यूज़ करती हूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक्रिलिक कलर है, मैं आर्टिस्ट एक्रिलिक पेंट यूज़ करती हूँ जो कि आपको किसी भी नॉर्मल शॉप पे मिल जाएगा। मेरे पास कुछ ब्रशेस है, मैं आपको दिखा दूँ। ये इसको कहते हैं फ्लैट ब्रशेस। मैं नंबर यूज़ करती हूँ 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। ये भी आपको किसी भी नॉर्मल शॉप पर मिल जाएगा। तो हम लोग अब ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो मैं एक ट्री ड्रॉ करने वाली हूँ और कुछ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में बताऊँगी। एंड इसको पेंट करने के लिए हम इस स्पैचुला का भी यूज़ करेंगे, बिकॉज हम लोग एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कर रहे हैं। सो ये मेरा ड्राइंग हो गया है कंप्लीट। अब हम लोग इस पे कलर करेंगे। आप लोग चाहे तो इसको अटैच करके भी कलर कर सकते हैं या फिर अलग अलग भी कलर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द कलरिंग। पहले हम लोग एक बेस कलर कर लेंगे कैनवस में कि आपको कौन सा शेड कहाँ करना है। तो मैं एक कैनवस की तरफ थोड़ा सा रेडिश एंड ब्लूइश टच दूंगी। थोड़ा अच्छे से कलर मीडियम यूज कीजिएगा या इसको मिक्स कीजिएगा। सेंटर वाले कैनवस पे मैं थोड़ा सा येलोइश लुक दूंगी, तो आप ब्रश को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, उसे कपड़े में अच्छे से पोंछ लीजिएगा। जैसा कि मैं बोली थी कि मैं थोड़ा सा ऑरेंजिश लुक दूंगी, तो आप येलो में स्कैलेट मिक्स कर सकते हैं। इस तरह से ब्रश चलाइएगा। आप नॉर्मल किसी भी डायरेक्शन में भी ब्रश चला सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग, तो आप किसी भी डायरेक्शन में ब्रश को मूव कर सकते हैं। अभी आपको सिर्फ एक बेस क्रिएट करना है, तो मैं बस सिंपली वे में आपको बता रही हूँ। शेड्स बस आपको मेंटेन करना है, जैसे अब मैं यहाँ पर येलो का शेड ले रही हूँ। थर्ड कैनवस पे मैं जैसे जा रही हूँ, तो आप फिर मैं येलो एंड ऑरेंज एंड रेड का मिक्सचर मैं इसको कंटिन्यू रख रही हूँ। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये कंटिन्यू है, ठीक है। इसीलिए मैंने तीनों को ज्वाइंट करके एक साथ कलर कर रही हूँ। इस पर फिर मैं ऑरेंज का शेड्स दूंगी, क्योंकि येलो के साथ ऑरेंज मैच होता है, तो मैं यहाँ थोड़ा ऑरेंज का शेड दूंगी। आप रफली ब्रश चला सकते हैं, या मैं थोड़ा मिक्स कर रही हूँ। रेड मिक्स कर रही हूँ और एक्रिलिक कलर में आपको बहुत ज्यादा पानी यूज करने की जरूरत नहीं है, आप हल्का सा वाटर यूज कीजिएगा। सिमिलरली मैं रेड के साथ थोड़ा सा ब्लू का टच दे रही हूँ, तो सो दैट इट विल बी लुक गुड। एंड नीचे मैं थोड़ा सा ग्रीन का लुक दूंगी पेंटिंग में, थोड़ा अट्रैक्शन अच्छा लगे, मैं थोड़ा सा यहाँ ग्रीन का लुक दे रही हूँ। आप इजीली कलर को मिक्स कीजिए, बस ध्यान रखिएगा कि तीनों जो कैनवस है वो एकदम इक्वल हो, और जब कलर आप कर रहे हैं तो एकदम मैनेज हो तीनों कैनवस में वो कलर। सो अब हम लोग इसको थोड़े देर ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे। अब मैंने एक सेकेंड कोट रेडी कर लिया। आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ रफ स्ट्रोक यूज किया है एंड
नाउ अब मैं थोड़ा डिटेल्स करूंगी, लाइक लीफ वगैरह बनाऊंगी कि किस तरह से लीफ वगैरह बनेगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं. सो इसके लिए मैंने 6 नंबर ब्रश यूज किया है. तो अब आप सिर्फ देखिए मैं कैसे यूज कर रही हूं. इस ब्रश से आपको लीफ पर इफेक्ट देना होगा. ब्रश को इस तरह चलाया, जैसे ट्रीज में लीव्स होते हैं, तो आपको बस एक ट्री का इफेक्ट देना है. अभी हम लोगों ने ये इफेक्ट दे दिया है, तो नाउ हम लोग थोड़ा बहुत स्पैचुला का इफेक्ट देंगे. तो दिस इज स्पैचुला एंड थोड़ा किस तरह से इफेक्ट देंगे देखिएगा. कलर्स को लेना है एंड कहीं कहीं फ्लावर्स के लिए से अप्लाई करना है. इससे बहुत 3D लुक आता है, बहुत ब्यूटीफुली वे से आप फ्लावर्स क्रिएट कर सकते हैं. सो जहाँ जहाँ आपको लगता है आप वहाँ वहाँ कलर दीजिएगा. सो नाउ हम लोग फिनिशिंग में थोड़ा बहुत लीफ का इफेक्ट क्रिएट करेंगे. सो देखिए किस तरह से. सो फाइनली ये पेंटिंग कंप्लीट हो गया है एंड होप आप लोगों को सीखने में बहुत मजा आया होगा. सो आप देख सकते हैं कि ये कितना प्यारा लग रहा है. ये अलग हो सकता है ये पेंटिंग, तो आप अपने इंटीरियर में इसे लगा सकते हैं और ये कितना ब्यूटीफुल लगेगा आपको इसका अंदाजा हो सकता है. तो मैं वेट करूंगी कि आप लोग भी कुछ बनाएं, कुछ नया इनोवेटिव कीजिए. इस तरह के 3 डिवीजन कैनवस पेंटिंग में एक्रेलिक का यूज़ कीजिएगा. एंड किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ 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 आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आप सभी का रिप्लाई करूंगी. थैंक यू सो मच.